आइए जानते हैं कि शोधकर्ताओं ने किस प्रकार दावा किया है कि कोरोना वायरस की दवा बनाने में जानवरों का खून किस प्रकार मददगार साबित होगा। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या विश्व भर में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। यह संख्या अब 24 लाख के पार पहुंच चुकी है। अभी तक कोई भी देश इस वायरस का इलाज नहीं ढूंढ पाया है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके अनुसार शोधकर्ताओं ने जानवर के खून से कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। यह दावा बेल्जियम के विलांस इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने किया है। शोधकर्ताओं ने इस दावे के अनुसार अमेरिका में मौजूद ऊँट की एक प्रजाति लामा के खून से कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है। शोधकर्ताओं ने दावा किया कि कोविड-19 के फैमिली वायरस के मामले में भी लामा के खून में मौजूद एंटीबॉडी महत्वपूर्ण साबित हुए थे। इसी को देखते हुए कोरोना वायरस की दवा बनाने में लामा का खून महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब नैनो बॉडी टेक्नोलॉजी की सहायता से इस ऊँट के खून की दवा बनाई जा सकती है। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द हेल्थ स्टेशन के साथ। थैंक यू।